नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे कमल गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। आज के वीडियो में लाइक का एम रखते हैं 1000 का, उम्मीद है कि आप इसे पूरा जरूर करेंगे। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश आज सुबह की बड़ी खबरें। MPPSC 2019 रिजल्ट, सतना की प्रिया पाठक टॉपर, 472 पदों में से 197 पर लड़कियों का सिलेक्शन। आपको बता दें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मंगलवार देर रात राज्य सेवा परीक्षा 2019 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। 87% पदों पर चयन सूची जारी की गई है। OBC आरक्षण मामला कोर्ट में लंबित होने के कारण 13% पदों पर नियुक्तियाँ रोकी गयी है। टॉप 10 में से 7 लड़कियां हैं। राज्य सेवा परीक्षा 484 पदों के लिए हुई थी, इनमें से फिलहाल 472 का रिजल्ट जारी किया गया है। इन पदों में से 197 पर महिलाओं ने बाजी मारी है, यह कुल भर्ती संख्या का 42% है। 13 कैंडिडेट डिप्टी कलेक्टर जबकि 9 DSP बनी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने CM हाउस खाली किया, सरकारी बंगले में शिफ्ट। आपको बता दें 18 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को CM हाउस को खाली कर दिया। वहीं लिंक रोड पर 74 बंगला स्थित B8 बंगले में शिफ्ट हुए हैं। यहां पत्नी साधना ने उन्हें तिलक और आरती उतार कर स्वागत किया। इससे पहले शिवराज ने परिवार सहित CM हाउस स्थित मंदिर में पूजा की, गौशाला में गौ माता के दर्शन किए। मुख्यमंत्री आवास में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें विदाई भी दी। पार्टी में उनका आगे क्या काम होगा, इस पर शिवराज ने कहा कि पार्टी उन्हें जो भी दायित्व सौंपेगी उसका वे पूरी निष्ठा से निर्वहन करेंगे। MP में पचमढ़ी से भी ठंडे, खंडवा, रीवा, ग्वालियर, भिंड में घना कोहरा, दो दिन बाद बारिश, ओले गिरने के असर। आपको बता दें मध्य प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छा रहा है। भिंड, ग्वालियर, मुरैना में बुधवार सुबह विजिबिलिटी कम रही। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन में भी धुंध रही। मंगलवार रात पचमढ़ी से भी ठंडी, रीवा और खंडवा रहे। 29 दिसंबर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो जाएगा, यह सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। इस वजह से 30 दिसंबर से 4 जनवरी तक बारिश के साथ ओले गिरने के असर हैं। मौसम विभाग भोपाल के सीनियर वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि 29 दिसंबर की रात से पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, इससे 30 दिसंबर से 4 जनवरी तक प्रदेश में मौसम बदल जाएगा। ग्वालियर, चंबल, उज्जैन, भोपाल, सागर और रीवा संभाग में ओलावृष्टि और बारिश की संभावना है। इंदौर, नर्मदापुरम, जबलपुर, शहडोल में बूंदाबांदी हो सकती है। व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार में और गति लाएं। आपको बता दें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश में लागू की गई नई शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। इसी के अनुरूप मध्य प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार के लिए किए जा रहे प्रयासों में और गति लाई जाए। विद्यार्थी द्वारा स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश लेने के दौरान ही उन्हें वोकेशनल स्टडीज से जोड़कर रोजगार और स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाए। इससे संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को और सार्थक बनाया जा सकता है। नए CM राज्य विद्यालयों के लिए चयन में व्यवहारिक आधार पर निर्णय लिया जाए और विद्यालयों में निर्माण में डिजाइन और अन्य सभी व्यवस्थाओं को भी बेहतर तरीके से पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव आज मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग की कार्य गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। जोड़ो यात्रा के बाद राहुल की भारत न्याय यात्रा। आपको बता दें 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा शुरू करेंगे। यह 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू होकर 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। इस दौरान यात्रा में 14 राज्य और 85 जिलों को कवर करेगी। राहुल गांधी बस और पैदल 6200 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करेंगे। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल और जयराम रमेश ने पार्टी हेडक्वार्टर में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा करेगी। यह मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, UP, MP, राजस्थान और महाराष्ट्र से गुजरेगी। शपथ के 3 दिन बाद भी मंत्रियों को नहीं मिले विभाग। आपको बता दें मंत्री पद की शपथ लेने के 3 दिन बाद भी मंत्रियों को विभाग नहीं मिल पाए हैं। बताया जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह और उदय राव प्रताप सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं की कैबिनेट में उपस्थिति ने विभाग के बंटवारे को पेचीदा बना दिया है।
जिसके चलते मंत्रियों को विभाग मिलने में इतनी देरी हो रही है। इसके अलावा कैबिनेट में सिंधिया खेमे से शामिल प्रमुख मंत्रियों के कारण भी विभाग के बंटवारे में इतना समय लग रहा है। ऐसे में मंत्रिमंडल को लेकर एक अनार सौ बीमार जैसी स्थिति बन गई है। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ शपथ लेने वाले दो डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा पहले से ही विभाग मिलने की राह देख रहे हैं। शपथ लेने के बाद 14 दिन से अधिक का समय बीत जाने पर भी दोनों डिप्टी सीएम बिना विभाग के हैं। एमपीपीएससी नए साल में लेगा 10 प्रतियोगी परीक्षाएं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग नए साल में 10 भर्ती परीक्षाएं आयोजित करेगा। इसका फायदा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को मिलेगा। उन्हें वर्ष शुरू होने के साथ ही भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने का मौका मिलने लगेगा। एमपीपीएससी ने साल भर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तारीख जारी कर दी है। परिस्थिति के अनुसार इनकी तारीख में बदलाव किया जा सकता है। जबकि कर्मचारी चयन मंडल द्वारा अभी तक अपनी परीक्षाओं की कोई योजना सार्वजनिक नहीं की गई है। एमपीपीएससी ने पहले अगले वर्ष की एडवांस कैलेंडर जारी किया गया है। भोपाल में जुटे प्रदेश भर के डीजे वाले बाबू, सरकार से मांगी छूट। आपको बता दें, प्रदेश में तय मानक से ज्यादा शोरगुल पर नियंत्रण के आदेश का आम जनता ने स्वागत किया है। तो इस आदेश से डीजे संचालकों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हुआ है। सरकार ने पुरानी व्यवस्था बहाल करने या रियायत देने की मांग को लेकर आज प्रदेश भर के डीजे संचालक राजधानी में एकत्र हुए और शहजहानी पार्क में सांकेतिक धरना देकर अपनी व्यथा सरकार तक पहुँचाने का प्रयास किया। डीजे संचालकों का कहना है कि प्रदेश में राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं जिनमें लाउडस्पीकर का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन उनके ऊपर सख्ती बरती जा रही है। पहले कोरोना काल में धंधा चौपट रहा और जैसे तैसे गाड़ी पटरी पर आ रही थी कि नए फरमान से उनकी आर्थिक दिक्कतें बढ़ने लगी हैं। तेंदुपत्ता संग्रहण दर 4,000 रुपए प्रति बोरा हुई। आपको बता दें, प्रदेश में अब तेंदुपत्ता संग्रहण दर बढ़ाकर 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा तय की गई है। इस संबंध में वन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार के इस निर्णय से वर्ष 2024 के संग्रहण वर्ष में प्रदेश के करीब 35 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों को आर्थिक लाभ होगा। तेंदुपत्ता संग्राहकों को पिछले वर्ष के मुकाबले अब 162 करोड़ रुपए के अतिरिक्त पारिश्रमिक मिलेगा। प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्रहण और व्यापार का कार्य मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ के माध्यम से किया जाता है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश के 7 लाख से अधिक नियमित अधिकारियों कर्मचारियों को सरकार 90 वर्ष में 4% महंगाई भत्ते का उपहार दे सकती है। अभी कर्मचारियों को 42% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है, इसे बढ़ाकर 40% किया जाना है। वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार करके मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिया है। अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, सरकार अब भारत ब्रांड के तहत 25 रुपए प्रति किलो की दर से चावल बेचने जा रही है। इसकी बिक्री भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ और केंद्रीय भंडार आउटलेट के माध्यम से की जाएगी। खबरों के अनुसार चावल की बढ़ती कीमत को काबू में रखने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। सरकार पहले से ही भारत ब्रांड के तहत आटा और दालों की बिक्री करती है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, नर्मदापुरम पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 में से 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बुधवार को राजस्व और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों के अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर। मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट संपदा सराफ, तहसीलदार देवशंकर धुर्वे, SDOP पराग सैनी सहित पुलिस और नगर पालिका का अमला मौजूद। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, इंदौर शहर में कल कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं। शहर में आज तक कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 3 हो गई है। इनमें से कोरोना का मरीज 23 दिसंबर को मिला था। तीनों में 36 साल से लेकर 50 और 55 साल वाले मरीज शामिल हैं। इनका इलाज जारी है। शहर में अब तक कुल 5 एक्टिव मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें से 2 मरीज होम आइसोलेशन में पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में मनरेगा मजदूरों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मनरेगा के अंतर्गत प्रदेश में मजदूरी दर बढ़ाने के प्रयास के निर्देश दिए। प्रदेश में अभी मजदूर दर 221 रुपए है, जिसे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भेजा गया है। वहीं 2,40,000 प्रधानमंत्री आवास भी शीघ्र पूरे किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक प्रदेश में 35,60,000 आवास पूर्ण किए गए हैं, बाकी 2,40,000 आवासों को भी शीघ्र पूरा किया जाए। सीएम ने कहा, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का लाभ पात्रता अनुसार प्रदान किया जाए, कोई भी पात्र बन